हम लोग बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए और हमने साथ में काम किया है, लेकिन काम पे हमारी लव स्टोरी की शुरुआत नहीं हुई थी, उससे थोड़े बाद में हुई। लेकिन जब हमारी शुरुआत हुई तब ऐसे हुई कि फिर एक साल में हम यहाँ तक पहुँच गए। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे इंडियन टेलीविजन के पॉपुलर एक्टर रुशद राणा के बारे में। रुशद राणा को पहचान सीरियल हिप्पी फूरे में राघो से और सीरियल कहता है दिल में निखिल से, सीरियल ये उन दिनों की बात में कोच सर और सीरियल अनुपमा में अनुरोध गांधी के किरदार से मिली है। इन्होंने अपने किरदार से लोगों को काफी रोमांचक बना देते हैं और दर्शक भी इनकी सीरियल का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंडियन टेलीविजन के पॉपुलर एक्टर रुशद राणा की फुल लाइफ जर्नी बारे में जानने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले मैं स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू से बात। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंडियन टेलीविजन के पॉपुलर एक्टर रुशद राणा के बारे में। रुशद राणा प्रोफेशन से एक एक्टर और मॉडल है। रुशद राणा का जन्म 19 नवंबर 1979 को मुंबई महाराष्ट्र में मिडिल क्लास पारसी फैमिली में हुआ था। 2022 के अकॉर्डिंग इनकी एज हो चुकी है 43 इयर्स। बात करें अगर रुशद की फैमिली की तो इनकी फैमिली में इनके फादर और इनकी मदर हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं रुशद राणा की क्वालिफिकेशन के बारे में। तो रुशद राणा ने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के प्राइवेट स्कूल से किए हैं और अपने कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने XBR कॉलेज मुंबई से ग्रेजुएशन पूरी किए हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं रुशद राणा की करियर के बारे में। रुशद सर बचपन से ही एक एक्टर बनना चाहते थे और फिर कॉलेज में आने के बाद इन्होंने अपने कॉलेज में ऑर्गेनाइज होने वाले ड्रामा और डांस में पार्टिसिपेट करते थे। अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद रुशद सर ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया और साथ ही थिएटर से जुड़कर कई सारे थिएटर के अनुभव को सीखे और बीते समय के बाद रुशद सर मॉडलिंग में काफी अच्छे साबित हुए और फिर रुशद सर को सीरियल हिप्पी फूरे में राघु का किरदार करने का अवसर मिला। इसी से इन्होंने टेलीविजन की दुनिया में डेब्यू किया। इस सीरियल से इन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसके बाद इन्होंने सीरियल क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, कोड रेड और फियर फाइल जैसे सीरियल में एपिसोडिक रोल किए। इसके बाद रुशद सर ने ससुराल सिमरन का कहता है ये दिल, किस्मत, सुपर कॉप्स, BA सुपर विलियंस जैसे सीरियल में अलग अलग किरदार निभाए। इन्होंने बॉलीवुड फिल्म मोहब्बते, वीर जारा, ये फासले, रब ने बना दी जोड़ी और IIM जैसे कई मूवीज में काम किए। रुशद सर ने अभी तक इन सभी TV सीरियल में काम करते दिखाई दिए हैं। और रुशद सर इन सभी बॉलीवुड मूवी में काम करते नजर आए हैं।
प्रोड्यूसर सर कुछ वेब सीरीज में भी काम किए हैं, जैसे ये सब वेब सीरीज है। इन दिनों रुसत सर अलग अलग टीवी सीरियल में खूब पसंद किए जा रहे हैं। दोस्तों आप जाने थे रुसत सर की कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में। बात करें अगर रुसत सर की हाइट की, तो इनकी बॉडी हाइट लगभग 5.10 फीट है और इनकी बॉडी वेट लगभग 75 kg है। इनकी हेयर कलर ब्लैक है और इनकी आइस कलर डार्क ब्राउन है। बात करें अगर रुसत सर के रिलेशनशिप की, तो रुसत सर ने अपनी पहली शादी साल 2010 में खुशनम से किए थे और इनका ये रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चला और साल 2013 में इन्होंने डिवोर्स ले लिया। रुसत सर ने 2023 में 4 जनवरी को केतकी के साथ शादी रचाई है। इनका ये रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम से रहा है। रुसत सर की केतकी से मुलाकात एक टीवी सीरियल के सेट पर हुई थी और तब से ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अपने रिश्ते को मजबूत बना रहे थे। दोस्तों रुसत सर के फेवरेट एक्टर ऋतिक रोशन है और इनके फेवरेट एक्ट्रेस कटरीना कैफ है। इनके फेवरेट सिंगर सोनू निगम और उदित नारायण है। इनके फेवरेट क्रिकेटर MS धोनी और विराट कोहली है। इनका फेवरेट फूड पनीर और वेज बिरयानी है। इनका फेवरेट प्लेस मनाली, गोवा और म्यांमार है। बात करें अगर रुसत सर की हैबिट की, तो इन्हें जिम करना, बुक पढ़ना और लॉन्ग ड्राइव पर जाना इनकी हैबिट है। तो दोस्तों ये रही इंडियन टेलीविजन के पॉपुलर एक्टर रुसत राणा की फुल लाइफ जर्नी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स। और इसी तरह के बायोग्राफी को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। गुड बाय।